सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी के फतेह। भाई साहब मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश, आप सब देख रहे हैं भाई साहब मानवता चैनल। और आज के हमारे छत्तीसगढ़ के उभरते साहित्यकार और कवियों के बारे में हम एक एपिसोड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आज हमारे कविगण जुड़ने वाले हैं और काफ़ी कुछ मंचों में अपना प्रदर्शन कर चुके हैं और जिसमें हमारे कई प्रोग्रामों में आ भी चुके हैं। डिजन कुरे साहब, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ पुष्पराज आनंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के खास कार्यक्रम में। और आज की इस परिचर्चा पर हम उभरते हुए साहित्यकार कवियों की आवाज़ को लेकर, जैसा कि हमारा चैनल भी है वॉइस ऑफ मानवता, जिसे अंग्रेजी में शॉर्ट में हम VOMTV वॉइस ऑफ मानवता चैनल का नाम है, तो इस पर हम आप लोगों की आवाज़ बनकर अपनी कला को, अपने साहित्य को देश और दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आज के इस परिचर्चा पर आमंत्रित करता हूं और डिजन कुरे साहब को कि आज के इस परिचर्चा पर अपनी बात रखेंगे। डिजन कुरे साहब, बहुत बहुत स्वागत है, सतनाम। सतनाम, बहुत बहुत आभार भैया। आज के इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी आदरणियों को मेरा सादर प्रणाम, सादर जय सतनाम। आदरणीय मेघराज सिंह जी हमारे मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट हैं और बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं आदरणीय जगदीश सिंह कुरे जी और हमारे आमंत्रित कवि साहित्यकार साधक आदरणीय पुष्पराज आनंद जी। मैं सभी को नमन प्रणाम करता हूँ और जितने भी आज जूम मीटिंग को देख रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से, सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, सादर जय सतनाम। युवा कलमकार की खोज और साहित्य की यात्रा के बारे में मैं अपनी बात रखूं तो जब से कोविड काल का जब दौर चला और जब कोरोना काल में सभी अपने घर में रहकर एक साहित्य के ग्रुप से जुड़ने का अवसर मिला ऑनलाइन के माध्यम से, लोगों को नव कलमकार को एक मंच मिला, वो वहां से टर्निंग पॉइंट है कि युवा कलमकार लोग अपने साहित्य के सफर को शुरू किए हैं। बहुत सारे साहित्यकार इस कोविड काल में ही नए नए साहित्यकार को एक अवसर मिला, मंच मिला। पहले क्या था भैया कि किसी हम जैसे युवा साहित्यकार लोगों को मंच नहीं मिलता था और वो कैसे लिखें, कहाँ से शुरुआत करें, किसी कोई ग्रुप से नहीं जुड़ा था, किसी माध्यम नहीं था। एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया है और आज जो है ग्रुप से जुड़ के उसमें जो है सिखाया जाता है साहित्य के बारे में। तो साहित्य की रचना की हर एक विधा है, जैसे दोहा है, घनाक्षरी है, चौपाई है, मुक्तक है, लावड़ी छंद है, बहुत सारी जो पद्य और इनके अलावा गद्य में भी हमारे साथी लिख रहे हैं। तो साहित्य की जो यात्रा है ये कोविड काल से इतना स्पीड में बढ़ा है और सभी साहित्यकारों को एक बढ़िया मंच मिला है, वहां से जल्दी शुरुआत हुई है। लोगों को घरों में रहने का एक फुर्सत का टाइम मिला और उसमें इनके जो दिमाग का ताला है वो खुल गया। जी बिल्कुल, इस भागम भाग दौड़ में जब घर में रहना चालू किए तो घर में रहकर क्या किया जाए, तो जो हमारे पढ़े लिखे साथी है वो कलम उठाए और कापी उठाए और साहित्य में अपना लेख चालू कर दिए। जैसे जैसे जी वहां अपने मन की कल्पनाएं को उसने एक कापी में परिणित किया और साहित्य लिखते गए और आज हमारे कई साथियों का बहुत सारे संग्रह आ चुके हैं, किसी का एक, किसी का दो, किसी का तीन, किसी का पांच, किसी का तो दस दस बीस बीस साहित्य आ चुके हैं भैया इस 3-4 साल के अंतराल में। उसमें हम लोग भी नए, हम लोग भी सब शामिल हैं कहीं उसमें। आज मैं कहूं भैया कि हमारे युवा कलमकार लोग व्यक्तिगत भी नहीं आए हैं ना, तो भी साझा संकलन में कम से कम 5-10-20 ऐसे पुस्तक है साझा संकलन में जिनकी उनकी रचनाएं छप रही लगातार, तो ये बहुत बढ़िया है। मान लो किसी के पास 100 रचना नहीं है कि उनका बुक निकल पाए, लेकिन उन्होंने 3 रचना लिखी और अपना पुस्तक में उसको छपवाना है तो किसी साझा संकलन में दे देते हैं, वो रचना क्या छप के आ जाती है, तो उनको एक स्थान मिल जाता है, एक साहित्य का दर्जा मिल जाता है।
और आईएसबीएन नंबर की बुक में उनका रचनाएं आ जाती हैं और एक बढ़िया अपना वहां से सफर शुरुआत करते हैं, तो एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म। अब लिखने की बात आपने कही है तो हमारे मेघराज सिंह भी एक लेखक हैं और किसी दिन उनको भी हम आप लोगों के साथ शामिल करेंगे। उनकी कई किताबें छप चुकी है और जी वो निःशुल्क में अपनी किताब लोगों को भेंट करते रहते हैं। तो बाकी अपनी जो लिखने की जो कलमकार है वो उसका एक बहुत बड़ी बात है, जो सोच है उसको लिपिबद्ध कर लेना भी एक साहित्य और कवि कहा जा सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि बहुत बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग कवि और साहित्यकार बन सकते हैं। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो भी मतलब अच्छे अच्छे कवि हुए हैं भारत देश के अंदर में। जी जी हल्धार नाग उसका ताजा उदाहरण है भैया, इस उड़ीसा बॉर्डर में है हल्धार नाग करके। जी जी जानता हूँ मैं हल्धार नाग को। हाँ पद्मश्री है, पद्मश्री। हाँ पद्मश्री है और वो उनका शिक्षा दीक्षा ज्यादा नहीं हुआ है कहिए, और ना साहित्य में अच्छे से वो बढ़िया लिख रहे हैं और उनका बहुत सारा पुस्तक भी आ चुका है, पुस्तक भी आ चुका है, पीएचडी वाले शोध कर रहे हैं उनको और उस हाँ उनके ऊपर शोध कर रहे हैं, तो उनके नाम से अब लोग पीएचडी करेंगे, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सही बात है कि पढ़ना साहित्य में आना माने पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता नहीं, अपनी मन की व्यथा को एक परिणित करना है, अपनी मन की व्यथा को सुनाना है कहीं, और कविता का हृदय सभी में रहता है कहीं, उनको बस जगाना बस चाहिए। बिल्कुल जी, मैं आज की इस परिचर्चा को आगे ले जाते हुए हमारे बीच में और भी साथी जुड़ गए हैं, एक मिनट उनका नाम कट गया। पुष्पराज आनंद जी से चाहूंगा कि आज के इस विषय पर अपनी कुछ रचना के साथ में और ये जो नए उभरते साहित्यकार और कवियों के संदर्भ में अपनी बात रखेंगे आज की परिचर्चा पर। पुष्पराज आनंद जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कुर्रे सर आपका और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी साहित्यिक और लेखक का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और ये अवसर मुझे मिला है आप लोगों के समक्ष अपनी बात रखने का। तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूंगा सर, बहुत ज़्यादा बातों पे अपने बात नहीं रखूंगा शब्दों के साथ, बस छोटे शब्दों में ही रखूंगा कि आज के दिनों में हम देख रहे हैं कि युवा वर्ग बहुत निकल के आ रहा है। एक समय था हम जब छोटे थे पढ़ते थे स्कूल किताबों में तो लगता था किसी कवि के जीवनी पढ़े तो लगता था कैसे लोग होंगे जो इतने सारे चीज लिखे हैं, क्या विचार रहा होगा वो उनका कि ऐसे अच्छे अच्छे चीजें जो उन्होंने लिखा है। अब बचपन में स्कूलों में जब पढ़ते थे तो जैसे घनानंद माधुरी जी हो गया, मुंशी प्रेमचंद जी का जब हम पढ़ते थे उनके उपन्यास वगैरह, तो ऐसे बहुत है मलिक मोहम्मद जायसी जी, तो ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने अलग अलग चीजों पे अलग अलग विधाओं पे उन्होंने लिखा हुआ है रचना है। तो लगता था कि ऐसे कैसे लिख सकते हैं, मतलब क्या रहता होगा उनके माइंड में कवि बनना, मतलब किस तरह से पढ़ाई करते होंगे, उनके क्या एजुकेशन रहता होगा। तो अपन सोचते थे तो बहुत आश्चर्य लगता था, ताजुब लगता था, लेकिन आज के दिनों में हम देखें तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो विचार आता है, जो घटनाएं हम देखते हैं, जो बीत रहे हैं वर्तमान में या जो बीत चुका है, उन चीजों के बारे में भी जब हम देखते हैं सुनते हैं पढ़ते हैं तो हमारे भी मन में विचार आता है कि क्यों ना इस चीजों को इस घटनाओं को हम लिपिबद्ध करें। तो ऐसा करते हैं तो फिर वो धीरे धीरे एक गद्य के रूप में या पद्य के रूप में कविताएं के रूप में वो जो है लिखना शुरू हो जाता है और वो फिर धीरे धीरे वो कुछ भी जो टूटी रहता है वर्तनी उसको भी सुधारने की कोशिश करते हैं। तो आज के दिनों में ये ऐसा सारे चीजें हुआ है और हमारे बीच उपस्थित अभी कुछ देर पहले ही डिजेंद्र कुंद्रे कुर्रे सर ने बताया कि जैसे कि कोरोना काल में जो अकेले समय को टाइम पास कैसे करना चाहिए, तो जो कागज कलम वो सबसे बहुत ही बेहतरीन तरीका रहा है लोगों के लिए अपने समय बिताने के लिए। काफी सारे लोगों ने टीवी का सहारा लिया तो लेकिन हम टीवी में क्या देखते थे, वही समाचार, आज इतने लोगों ने ये हो गया, यहाँ पे इतने कोरोना निकल गया, तो उससे और आदमी डिप्रेस हो जाता था, डिप्रेशन हो जाता था।
घर से बाहर नहीं निकलना है, क्या होगा कैसे होगा, तो यही सारी चीज था। तो एक सबसे अच्छा चीज कहूँ तो यही रहा है कि हम नए नए चीजों के बारे में लिखें। तो बहुत सारे ऐसे कवि भी बने और बहुत सारे रचनाएं भी लिखे जो कोरोना काल में लिखे और कोरोना पे लिखे हैं। तो उनकी रचनाएं मैंने ऑनलाइन भी गूगल के माध्यम से पढ़ा हुआ है, काफी लोगों ने लिखा हुआ है। बहुत ही क्या कहूं मैं, काबिले तारीफ है जो लिखे हुए हैं वो। तो उस टाइम पे कोरोना काल चल रहा था तो हम लोगों का भी कुछ कुछ ट्रेनिंग था, तो चल रहा था ऑनलाइन ट्रेनिंग था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी बहाने कुछ और अपने स्किल जो है उसको इम्प्रूव कर लिया जाए और बेहतर कर लिया जाए। तो वो मैं वो ट्रेनिंग अटेंड भी करता था ऑनलाइन, कुछ कुछ चीजें जानकारी है तो वो चीज भी करता था। लेकिन मैं कोरोना काल में कहूँ तो मैंने एक भी कोई भी कविता कहानी कुछ भी नहीं लिखा। हाँ, लेकिन तब मैं अपने परिवार के बीच में रहता था। लेकिन जैसे ही मेरा ट्रांसफर हुआ यहाँ कोंडागांव, जब मैं आया 2021 में, तो यहाँ मैं पूरा अकेला हो गया, परिवार से पूरा कट गया। तो फिर मुझे अकेले रहना है, बस 8 घंटे ड्यूटी है, बाकी के सारे टाइम तो मुझे अकेला रहना है। तब मैंने सोचा अब मैं क्या कर सकता हूँ, मोबाइल भी बहुत देर तक नहीं देख सकता, टीवी भी नहीं देख सकता, तब मैं क्या कर सकता हूँ। तो सबसे बेहतर था उस टाइम पे मैं किताबें पढ़ना, नई नई कविताएं पढ़ना, तो कुछ चीजों के बारे में जानना। तो फिर ये ऐसा करते हुए फिर मैंने फिर से अपने जो मैं बहुत पहले कॉलेज लाइफ पे लिखता था कुछ कुछ चीजें, छोटा छोटा कविताएं वगैरह लिखता था, लेकिन मैं उसके बाद जो है जो आपके बाद फिर मैंने बंद कर दिया था, नहीं लिख रहा था। बट लिखता था जरूर कविताएं या ये चीज नहीं लिख रहा था कहानी, बट गीत भजन वगैरह जरूर लिखता था मैं, पंथी गीत वगैरह हो गया, छत्तीसगढ़ी गीत वगैरह हो गया, ये लिखता था। तो उसके बाद जब यहाँ आया तब मुझे फिर से मैंने कलम उठाया और लिखना शुरू किया। तो फिर इसमें कई तरह के कई विधाओं में मैंने कविताएं छोटे छोटे जो लिखे हैं, और फिर मुझे एक मंच मिला हमारे आदरणीय जो है अपने डॉक्टर किशन क्रांति जी के, उनके ग्रुप में मुझे मिला, और फिर मैं वहां पे अपने सांझा काव्य संग्रह जो है लिखना प्रारंभ किया। तो ऐसा रहा है। तो मैंने सबसे पहले जब मैं कोंडागांव यहाँ आया था तो सबसे पहले मैंने यही चीज लिखा था, जो एक छोटी सी रचना है आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। जी स्वागत है। मुसाफिर निकल पड़ा हूँ मंजिल की तलाश में, निकल पड़ा हूँ मंजिल की तलाश में, जाना किस ओर है पता नहीं। निकल पड़ा हूँ मंजिल की तलाश में, जाना किस ओर है पता नहीं। साधन बहुत है यात्रा के, साधन बहुत है यात्रा के, पर सवार हो जाऊं किसमें ये पता नहीं। साधन तो बहुत है यात्रा करने के लिए, पर सवार हो जाऊं किसमें ये पता नहीं। मिलते हैं हम सफर जिंदगी में, मिलते हैं हम सफर जिंदगी में, कौन अजनबी है पता नहीं। मिलते हैं हम सफर जिंदगी में, कौन अजनबी है पता नहीं। चल रहे हैं हम सफर बनकर साथ, चल मिलते हैं हम सफर बनकर जिंदगी में, कौन अजनबी है पता नहीं। चल रहे हैं हम सफर है कि अपनी आवाज को म्यूट रखेंगे, बाकी साथियों से आग्रह है कि अपनी आवाज को म्यूट कदम रखेंगे। यूं ही छूट जाएंगे कब तन्हा अकेला पता नहीं, यूं तो अकेले दिन गुजर जाते हैं, यूं तो अकेले दिन गुजर जाते हैं, रात कैसे गुजारूं पता नहीं। यूं तो अकेले दिन गुजर जाते हैं, रात कैसे गुजारूं पता नहीं। निकल जाता हूं सुबह मंजिल की तलाश में, निकल जाता हूं सुबह मंजिल की तलाश में, शाम को हिसाब लगाता हूं क्या मिला कुछ पता नहीं। शाम को हिसाब लगाता हूं क्या मिला कुछ पता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सबका, बहुत शुक्रिया हमारे बीच और में। इन्हीं रचनाओं के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। जी बहुत शुक्रिया पुष्पराज जी हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ गए हैं, साहित्यकार डाहिरे जी जुड़ गए हैं, उनका नाम जेपी डाहिरे है शायद उनका, दयालु भारती जी है, दोनों का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और मैं चाहूंगा सबसे पहले कि दयालु जी
आज के इस साहित्य यात्रा में अपने विचार रखेंगे। दयालु भारती जी अपनी आवाज खोले। आवाज पहुंच रही है आप तक? दयालु जी तक मुझे लगता है गड़बड़ है। डायरे जी आप अपनी आवाज को खोलें और आज के इस विषय पर अपनी बात रख सकते हैं। हेलो भारती जी। हाँ सर जी, दरअसल अभी मैं तुरंत देखा मैसेज को जी, इसमें लिंक आया हुआ है, मैं कनेक्ट हो गया। कब अच्छा। से विषय वस्तु क्या रखा गया है, किस विषय पे रखना है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी। विषय ये है कि छत्तीसगढ़ के उभरते साहित्यकारों के विषय पर आज की चर्चा है और इसमें ज्यादा कुछ सोचने समझने की बात नहीं है, न ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। आप लोगों की ये जो साहित्य यात्रा कैसे शुरू हुई और छत्तीसगढ़ के जो प्रतिभागी है उन लोगों के लिए हमारा ये मंच है, अपना जो चैनल है इस फेसबुक लाइव में, तो इसमें स्वागत है आपका। और जो भी आपकी ये यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, आपका परिचय थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। जी जी सर, मेरा पूरा नाम जगतारण प्रसाद डहरे है और मैं प्रॉपर मस्तूरी से लगा हुआ ग्राम किरारी का रहने वाला हूँ, जहां से लक्ष्मण मस्तूरिया जी रहे हैं। तो लक्ष्मण मस्तूरिया जी का प्रभाव तो बचपन से रहा है, मैं रेडियो में उनको सुनते रहा हूँ लगातार। और जब मैं कक्षा 8वीं पढ़ रहा था तभी मेरे मन में विचार आया कि जब हमारे गांव घर के इतने अच्छे साहित्यकार हो सकते हैं तो क्यों ना हमें भी प्रयास करना चाहिए। और मेरा दिली इच्छा था बचपन से ही कि मैं स्वयं अपनी आवाज को रेडियो से सुनना चाहता हूँ, कभी किताबों में छपना चाहता हूँ। और ये सोच जब मैं 8वीं में ही था तभी हमारे विद्यालय से, शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय मस्तूरी में, वहां से एक पत्रिका प्रकाशित हुई जिसका नाम था मुकुर। और उसका मुझे पता चला तो मन में ऐसा लगा कि मैं जो सपना देख रहा था वो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। जी जी। और जो उस समय मन में विचार आया तो उसको मैंने लिख लिया और प्रथम मेरी कविता का शीर्षक था अत्याचार। जी। मैं वहां दिया लेकिन मेरे सारे मित्रों का छप गया, मेरा ही नहीं छपा। इस बात से मुझे बहुत दुख हुई, तो बोला कि इतना मेहनत करके लिखा था, जितने भी मित्रगण सुने सभी सराहे थे। और चूंकि मेरे बड़े भैया टीचर थे, मैंने उनको बताया कि भैया देखो मैं इतना मेहनत करके लिखा था पहली बार और वो छप नहीं पाया। बड़े भैया देखे पढ़े, बोले कि अच्छा हुआ कि नहीं छपा, क्यों ऐसा क्या हो गया। तो बोले कि इसमें जो भी लिखे हो इसमें नकारात्मक विचार है ना, और हमारा विचार सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिविटी रहना चाहिए, और ऐसा लिखते जरूर छपता। तो वहां से फिर सोच में थोड़ा सा बदलाव आया कि यहाँ कहाँ पर नकारात्मकता हो गया है। बस ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, पूरे कविता में सिर्फ एक लाइन चेंज करना पड़ा और वो सही हो गया। तो फिर भैया को दिखाया, बोले कि हाँ ये सही है। तो मैं बोला आप तो पूरे कविता को गलत बोल दिए थे, एक लाइन चेंज करना था, 12 लाइन में 11 लाइन तो सही था। तो बोले कि वही तो लोग जो है ना, तो आपकी पहली रचना को हमारे दर्शकों तक सुना सकते हैं तो सुनाए। बस उसका सिर्फ 2 लाइन बताता हूँ सर। अब एकदम मेरी प्रथम कविता थी तो उसको लिखा था, देखो तो हमारे देश में हो रही कितनी अत्याचार है, इस अत्याचार को सहने से अच्छा तो जीना ही बेकार है। ये मैं पहले लिखा था। अच्छा जी, हाँ जीना ही बेकार है। तो बड़े भैया टीचर थे इसलिए उन्होंने समझाया कि हम मान रहे हैं कि हमारे पूरे देश में, क्या पूरे दुनिया में अन्याय अत्याचार हो रहा है, और अन्याय अत्याचार हो रहा है इसका मतलब क्या हम सुसाइड कर ले, हम मर जाए, ये नहीं होना चाहिए। उसी अन्याय अत्याचार का तो विरोध करना है, प्रतिकार करना है। तो वही फिर उसको चेंज किया, देखो तो हमारे देश में हो रही कितनी अत्याचार है, डट के करें इनका मुकाबला, यही मेरा विचार है, यही मेरा विचार है ये। और बाकी सारा लाइन वही था और वो उसमें पॉजिटिविटी आ गया। फिर एक
सर मिले राम प्रताप सिंह विमल, तो उस समय हमारे क्षेत्र में मल्हार महोत्सव का शुरुआत हुआ था जहां पूरे छत्तीसगढ़ के कलाकार आते थे, तो वहां पे पूरे छत्तीसगढ़ के कलाकारों को देखा मैं, तो उसी समय सोचने लगा कि जब ये इस मंच से इतना बढ़िया प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं, इस मंच तक मैं क्यों नहीं पहुंच सकता, मैं भी जरूर पहुंच सकता हूँ। और मेरा पूरा प्रयास था कि मैं सारे कलाकारों से मिलूं, और उसी समय से मिलते जुलते रहा और उसका अच्छा प्रभाव पड़ा। संयोगवश जो राम प्रताप सिंह विमल जी थे टीचर, उनके एक बेटे और एक बेटी वो मेरे क्लास फेलो थे, और जैसे उनको पता चला तो उनसे मिला है, उनका बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला, वो मेरी 5 रचनाएं देखे और इतना ज्यादा प्रोत्साहित कर दिए, बोले कि ये इतना बढ़िया लिखते हो, कहाँ थे अभी तक तुम, आकाशवाणी रायपुर के लिए प्रयास क्यों नहीं करते। मैं बोला सर वो अब वहां से कैसे संपर्क साधा जाता है, इसके बारे में मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। तो उन्होंने पत्र लिखवाया और 5 कविताएं सम्मिलित किया, वहां तक भेजे, लेकिन किसमें भेज दिए थे, युवाड़ी में भेजे, इसलिए वहां भी सम्मिलित नहीं हो पाया, वो पत्र वापस आ गया। बोले सर यहाँ तो सम्मिलित नहीं हो पाया, बोले कोई बात नहीं, हो सकता है कि उनका सोच कुछ दूसरा हो, हमारा सोच कुछ दूसरा है। फिर एक प्रसिद्ध रंगकर्मी बिलासपुर के मनीष दत्त जी से मेरे को मिला है, तो उस समय साक्षरता अभियान चल रहा था, उस साक्षरता अभियान में छत्तीसगढ़ के बड़े ही नामी नामी कवि थे, उसमें लक्ष्मण मस्तूरिया का भी 2 गीत सम्मिलित था, तो मुझे वहां पर विषय दिया गया कि आप साक्षरता अभियान के ऊपर लिखिए। मैं बहुत खुश हो गया कि मतलब जिसको मैं अपना प्रेरणा स्रोत मान रहा था लक्ष्मण मस्तूरिया जी, वो इस टीम में शामिल है और उनके साथ मेरी रचनाएं सम्मिलित हो सकता है, तो इसके लिए तो मुझे मेहनत करना ही होगा, और मैंने मेहनत किया और उसमें सफलता भी मिली, जहां बड़े बड़े कवियों का एक एक रचना सम्मिलित हुआ और मेरी 2 रचनाएं वहां पर सम्मिलित हो गया, और वहां से मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला, अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, और फिर वहां से पॉजिटिविटी आया और शुरुआत में आकाशवाणी बिलासपुर से जुड़ने का मौका मिला, और मैं अपने प्रयास में लगा रहा। मैं सोचता था कि जिस दिन लक्ष्मण मस्तूरिया जी मेरी पीठ थपथपा देंगे, मैं मानूंगा कि उसी दिन हाँ मैं भी कुछ लिख सकता हूँ, सफल मेरी सफलता पूरी हुई। जी लक्ष्मण मस्तूरिया जी से रखा, लक्ष्मण मस्तूरिया बोले, राम प्रताप सिंह विमल से, राम प्रताप जी विमल बोले कि उनके साथ मैं कवि सम्मेलन का आयोजन करवाता हूँ, और आयोजन भी करवाया कोरबा में, लक्ष्मण मस्तूरिया जी सुने सराहे, और उन्होंने स्वयं से फिर आकाशवाणी रायपुर से मेरे नाम से पत्र व्यवहार करवाया, और उनके साथ मुझे रचना पाठ करने का अवसर मिल गया। इस प्रकार से मेरी साहित्यिक यात्रा है सर। जी जी, तो चलिए कुछ लाइन मैं सुना देता हूँ। जी जी, स्वागत है। गढ़ ले था 2-4 कविता, गढ़ ले था 2-4 कविता, पढ़ ले था 2-4 कविता, कवि कलमकार बने बर नहीं चाही 1000 कविता, कवि कलमकार बने बर नहीं चाही 1000 कविता। ये सिर्फ 4 लाइनें सुना के मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ सर, है ना। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया भारती जी, बहुत अच्छा लगा आपके इस संगीत यात्रा को लेकर, और हम चाहेंगे कि बहुत सारे जो हमारे छत्तीसगढ़ के उभरते हुए कवि हैं उनको ये मंच मिले, और वो भी अपनी बात इस चैनल के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने एक एपिसोड शुरू किया है कि छत्तीसगढ़ के उभरते कवियों की साहित्य यात्रा, ये हमारा नाम है, और इस पर हम जब भी अवसर मिले कवियों को तो हम चाहेंगे उनको सादर आमंत्रित हमारे ये प्लेटफॉर्म, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहें। मैं अगले वक्ता के रूप में फिर से हमारे साथ दयालु भारती जी, तो मैं उनसे चाहूंगा कि बार बार उनका नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रही है,
आवाज जा रही है तो स्क्रीन को खोलें और अपनी बात रख सकते हैं भारती जी। हेलो भारती सर, आइए, स्वागत है। दयालु भारती जी, उनका नेटवर्क कई बार शायद उनके नेटवर्क इशू भैया। हाँ, इसके कारण उनसे हमारी संपर्क नहीं हो पा रही है। मैं आज की इस परिचर्चा को फिर से आगे बढ़ाते हुए, दयालु जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो दयालु भारती जी, स्वागत है। मुझे लगता है उनका नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। कोशिश करते हैं फिर से दोबारा उनके साथ जुड़ने के लिए। हेलो हेलो, हाँ भारती जी, Hello? आज के इस विषय पर अपनी बात रखें और अपनी वीडियो खोलें। हेलो, फिर से उनका कनेक्शन हमसे कट गया है। मैं राजेंद्र कुरे जी से चाहूंगा कि हमारे जो अभी तक के जो साथीगण हैं, साहित्यकारगण हैं, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी है। मैं चाहूंगा कि इस विषय पर जो छत्तीसगढ़ के नए नए जो अलग अलग विधा के जो साहित्यकार हैं, कवि हैं, हालांकि कवि और साहित्यकारों की जो लेखन है उसको लेकर लोग गीत संगीत भी बनाते हैं, जैसे कि लक्ष्मण मस्तूरिया जी के बारे में अभी डाहिरी जी ने कहा कि उनको वो प्रेरणा मानते थे, और उनके बहुत सारी जो गीते हैं वो अमर गीत के रूप में छत्तीसगढ़ी के गीत को लेकर के अमिट हो गए। वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी गीत जो है एक अमर गीत के रूप में जाना जाता है। जिनका एक गीत है, मैं बताना चाहूँगा, मोर संग चलो रे, वो गाना मुझे बहुत पसंद है और मैं बार बार सुनते रहता हूँ। जब भी मैं कार में कभी जाता रहता हूँ तो लक्ष्मण मस्तूरिया के बहुत सारे जो जो छत्तीसगढ़ी गीत है वो बहुत प्रेरणादायी है और समाज को प्रेरित करने वाली है। तो मैं, हमारे साथ भारती जी अगर आ गए हैं तो फिर से वो हमारे बीच में आ सकते हैं और हमें बात रख सकते हैं, और नहीं तो मैं फिर से आज की इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए डीजन को रेज चाहूँगा कि दोबारा इस विषय पर अपनी अनछुए पहलुओं को लेकर अपनी बात रख सकते हैं कोई कविता के साथ में। जी अपनी बात रखें भारती जी, जो भी आपकी आवाज आ रही है उसमें आप बोल सकते हैं। आपका वीडियो नहीं भी आएगा तो चलेगा, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है आपकी, या तो आवाज नहीं आ रही है आप। जी अभी अपनी बात रख भारती जी आप म्यूट कर ले, बल्कि ज्यादा बढ़िया रहेगा, म्यूट कर ले अपने आप को। चलिए मैं अपनी बात रखता हूँ। बहुत बहुत आभार आदरणीय जी, कुरे जी अपनी बात रखें। बहुत बहुत आभार आदरणीय जेपी डहरे सर हमारे बीच जुड़े हैं, बहुत ही वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उनका भी आज सानिध्य मिला उनके साथ मन साझा करने के लिए। मैं भैया एक घनाक्षरी लिखा हूँ, जब चंद्रयान पर हमारा भारत ने जो इतिहास रचा तो उस पर मैं घनाक्षरी लिखा हूँ, चार पंक्ति आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूँ। भारत के मित्र है जो शुभता के चित्र है जो, उनका नमन किया मान में सम्मान में। सुनिए, भारत के मित्र है जो शुभता के चित्र है जो, उनका नमन किया मान में सम्मान में। हार कहाँ सकते हैं हम कहाँ रुकते हैं, हम ही तो विश्व गुरु विविध विधान में। अप्रज्ञान विक्रम संग चांद पे जमाए रंग, प्रज्ञान विक्रम संग चांद पे जमाए रंग, विश्व को किया है दंग भारती की शान में। और चांद पे जमा के पहरे देश कर रहा सैर, रच दिया इतिहास आज चंद्रयान में, रच दिया इतिहास आज चंद्रयान में। जब चंद्रयान पर इतिहास लिखा था तो ये पंक्ति लिखा था भैया, बहुत अच्छा लगता है इस रचना को काव्य पाठ करता हूँ।
और यदि समय हो तो एक रचना मैं छत्तीसगढ़ी पर पढ़ना चाहूंगा आप सबकी आज्ञा हो तो। बिल्कुल स्वागत है। एक माँ के ऊपर रचना है, एक माँ की ममत्वत्व को थोड़ा सा छत्तीसगढ़ी में लिखने का प्रयास किया हूँ, आइए आप सबके बीच में रखता हूँ। मोर निंदिया बरदाई तय हर रात रात भर जागे वो, मोर निंदिया बरदाई तय हर रात रात भर जागे वो, तोरी अचरा के छैया मोला सरगले बड़ के लागे वो, तोरी अचरा के छैया मोला सरगले बड़ के लागे वो। तो और देखिए एक माँ के ममतत्व, माँ और बेटा के जो ममतत्व है कैसे आगे बढ़े, मैं अपन जो भाव ले लिखे प्रयास करे हूँ। तोरे हाथ ला धर के दाई मरेंगे बर जाने वो, तोरे हाथ ला धर के दाई मरेंगे बर जाने वो, तोरी आँखी माँ देख देख दुनिया ला पहचाने वो, तोरी आँखी माँ देख देख दुनिया ला पहचाने वो, तोर गोरस के अमृत हर मोर तन ला सिर जाए हे, मोर दुलौरिन दाई तैहर तोर ममता मोर मन समाए हे, तोर दया पाके ही दाई तोर दया पाके ही दाई भागे मोरे जागे ओ, तोर दया पाके ही दाई भागे मोरे जागे ओ, तोरी अचरा के छैया मोला सरगले बड़ के लागे ओ, तोरी अचरा के छैया मोला सरगले बड़ के लागे ओ। और ये गीत के अंतिम बंद, एक माँ अपन बेटा की रक्षा करे बर और कुछ जब समस्या आते तक कहाँ कहाँ जाते और कैसे और लालन पालन करते, मैं दूसरा बंद में लिखे प्रयास करे हूँ। मोर जतन औ मोर रक्षा बर कभू नहीं तय हारे वो, मोर जतन औ मोर रक्षा बर कभू नहीं तय हारे वो, कतको गलती करे तबोले निस्दिन मुला दुलारे वो, कत को गलती करें तब भोले निस दिन मोला दुलारे वो, सब देवता ला तही मनाए मोर बनौती बनाए बर, अपन के गहना घलो बेच दे मोला ते तो पढ़ाए बर, अपन के गहना घलो बेच दे मोला ते तो पढ़ाए बर, अब भी ममता धार बहुत है अब भी ममता धार बहुत है भले बुढ़ापा आगे ओ, अब भी ममता धार बहुत है भले बुढ़ापा आगे ओ, तोरी अचरा के छैया मोला सरगले बढ़ के लागे ओ, तोरी अचरा के छैया मोला सरगले बढ़ के लागे ओ। जी बहुत बहुत शुक्रिया डीजन जी। मैं फिर से पुष्पराज आनंद जी से आग्रह करता हूं कि अगली इस परिचर्चा पर अपने विचार रखें, और आप भी जो अभी का जो समय चल रहा है और इस विषय पर कोई आपकी और नई रचना हो नई सौगात के रूप में, जैसा कि अभी छत्तीसगढ़ में इलेक्शन भी चल रहा है, इस पर अगर कोई सोच हो या कोई लिखे हो तो जो देश की जनता है अभी 5 साल के लिए अपने भाग्य का निर्माण करेंगे भविष्य का निर्माण करेंगे, तो मैं चाहूँगा कि इस पर भी कुछ परिचर्चा हो जाए, क्योंकि आज हम देखते हैं कि गांव-गांव गली गली जो राजनेता है वो वोट की महत्व को समझते हुए गली गली तरह तरह कैसे लोगों को रिझाने में लगे हुए हैं, और हम देखते हैं कि बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया था वो कभी सोचे भी नहीं थे कि इसको लेकर के लोग करोड़ों करोड़ों रुपया का चुनाव और महंगी चुनाव बना देंगे कि एक चुनाव लड़ने के लिए, एक लोकसभा लड़ने के लिए, एक विधानसभा लड़ने के लिए लोग कितने पैसे लगाते हैं और किस ढंग से
आज वोट की जो राजनीति चल रही है उसमें कितना विकराल रूप धारण कर लिया है और क्या कुछ देखने को मिलता है। हम लोग एक पत्रकार होने के नाते जब ग्राउंड रिपोर्ट करने जाते हैं तो देखते हैं तरह तरह की छलम चलती है, तो इस पर भी आप लोग कभी लिखने की कोशिश करें जो हमारे कविगण हैं और जो भी हमारे चिंतक हैं। तो मैं पुष्पराज जी से चाहूंगा कि अगली कोई रचना को लेकर आप आज की इस पर चर्चा पर विचार रखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद कुर्रे सर आपका कि आपने मुझे फिर से अवसर प्रदान किए इसके लिए। सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, आपके नाम को अभी मैं पढ़ के वही देख रहा था सर, आप पथलगांव से बिलोंग करते हैं? पथलगांव से 20 किलोमीटर दूर है मेरा गांव कापू करके है, मेन पार्ट पहाड़ के नीचे मेरा गांव है। कापू बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने आपका नाम सुना हुआ था 2011 में, मैं धरमजयगढ़ रहा हूँ सर वहाँ 2014 तक। जी जी तो असलम खान करके है एक, नीचे वहाँ रहते थे वो, पत्रकार धरमजयगढ़ का पत्रकार है। जी बिल्कुल, तो उन्होंने आपका नाम मुझे सुझाया था कि पुष्पराज आनंद जी हमारे कापू में है, कुर्रे जी हैं आपके नाम बताए, जगदीश कुर्रे सर हैं वो आपके समाज से हैं, काफी प्रतिष्ठित हैं और उनके साथ हमारा जान पहचान। किसी दिन आपको मैं लेके चलूंगा कहा था उन्होंने मुझे जरूर आपसे मिलाने के लिए, बट कभी संयोग ऐसा हो नहीं पाया कि मैं आपसे नहीं मिल पाया, और देखिए आज फाइनली हम वर्चुअली मिल रहे हैं। जी जी बहुत स्वागत है, कभी आइए हमारा छत्तीसगढ़ का शिमला मेरे गांव से। बिल्कुल मैं वैसे घूमा हूं सर उधर एरिया, आपके पत्थल गांव कापू और इधर फिर घरघोड़ा, इधर सारे एरिया उधर धरमजयगढ़ में रहा हूं तो काफी घुमा हूं मैं। हाँ धरमजयगढ़ विधानसभा है, हाथी के डर से ज्यादा घूमता भी नहीं था क्योंकि हाथी का बहुत आतंक वाला एरिया है वो। जी जी चलिए सर, मैं एक जी मैं अपनी एक रचना है, आपने जैसे कि कहा कि अभी चुनाव चल रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो चुनाव पे मैं बिल्कुल उसी पे एक मेरा रचना है। हमने आजादी का अमृतकाल हम सब सुने हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जिन्होंने ये घोषणा किए हैं कि हमारे भारत जब आजादी का वर्षगांठ मनाएंगे तो हम अमृतकाल में हैं, अभी अमृतकाल चल रहा। तो मैं सोचा अमृतकाल मतलब बिल्कुल आदमी तो अमृत को प्यार कर जाएगा तो उसको किसी तरह का ना तो भूख लगेगा ना प्यास लगेगा ना किसी तरह का उनको तकलीफ रहेगा, अमृत काल का मतलब यही है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आज भी लोग उसी स्थिति में हैं, उसी दिनचर्या को जी रहे हैं जो पहले पूर्व में जिए हैं, और शायद मुझे लगता है हमारे देश में कभी परिवर्तन नहीं होगा आम जनताओं के लिए। नेताओं के लिए तो हमेशा परिवर्तन होता है और होता रहेगा, लेकिन हम जैसे नागरिकों के लिए कभी वो परिवर्तन नहीं आएगा। कुछ हद तक मैं कहूँ कभी पहले चुनाव रहा है तो कभी किसानों को प्राथमिकता नहीं दिया गया था, लेकिन मैं अभी ये दो पंचवर्षीय में देख रहा हूँ कि जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में किसानों को जो प्राथमिकता मिला है और लोग अब समझ गए हैं कि किसान भी है जो सरकारें गिरा सकती है और सरकारें बना सकती है। जी जी, तो सरकार बनाने में भी किसान बहुत अहम मुद्दा है। आज इसीलिए देखिए सारे घोषणाएं सारे राजनीतिक पार्टी का किसान पे आके टिका हुआ, सभी लोग किसान को खुश करने के में आ गए। तो एक मैं आजादी का अमृतकाल पे लिखा हूं, ये मेरी एक कविता है और मैं आपके बीच रखना चाहूंगा आप सबके बीच में। आजादी का है अमृतकाल, आजादी का है अमृतकाल, देश की जनता है बेहाल, नेता मंत्री पूंजीपति सब देखो है माला माल, क्योंकि आजादी का है अमृतकाल, आजादी का है अमृतकाल। बंजर हो रही देश की खेती, बंजर हो रही देश की खेती, गांव शहर में लुट गई देश की बेटी, अंधी बहरी और गूंगी देश की सरकार है, क्योंकि देश में आजादी का अमृतकाल है, क्योंकि देश में आजादी का अमृतकाल है। बिक गई देश की मीडिया सारी, बिक गई देश की मीडिया सारी, बिक गई नेता मंत्री सरकार,
बिक गई देश की मीडिया सारी, बिक गई नेता मंत्री सरकार, अब तो हद हो गई बिकने की, अब तो हद हो गई बिकने की, बेच रहे हैं मताधिकार, अब तो हद हो गई बिकने की, बेच रहे मताधिकार, क्योंकि आजादी का है अमृतकाल, आजादी का है अमृतकाल। महंगी हो गई देश की शिक्षा, महंगी हो गई देश की शिक्षा, महंगा हो गया राशन, महंगी हो गई देश की शिक्षा, महंगा हो गई राशन, देश की चिंता छोड़ नेता दे रहे हैं भाषण, देश की चिंता छोड़ नेता दे रहे हैं भाषण, नेता जी के भाषण, नेता जी के भाषण, भाषण मकड़ी जाल है, क्योंकि आजादी का अमृत काल है, क्योंकि आजादी का अमृत काल है। हाय रे जनता तेरी कैसी भूख, हाय रे जनता तेरी कैसी भूख, चुनावी मदिरा पी कर धूप, हाय रे जनता तेरी कैसी भूख, चुनावी मदिरा पी कर धूप, राजनीति के झगड़े से अब तो आ गई हर घर में फूट, राजनीति के झगड़े से अब तो आ गई हर घर में फूट, देश की आर्थिक दशा से, देश की आर्थिक दशा से हर नेता बन रहे अनजान है, क्योंकि देश में आजादी का अमृत काल है, क्योंकि देश में आजादी का अमृत काल है। पूछो सवाल सरकार से, पूछो सवाल सरकार से तो धर्म खतरे में पड़ जाते हैं, पूछो सवाल सरकार से तो धर्म खतरे में पड़ जाते हैं, संसद भवन में नेता भी आपस में भिड़ जाते हैं, संसद भवन में नेता भी आपस में भिड़ जाते हैं, मिलकर बाहर संसद के, मिलकर बाहर संसद के दावत खूब उड़ाते हैं, हाय देश मेरा बेहाल है, हाय देश मेरा बेहाल है, क्योंकि देश में आजादी का अमृत काल है, देश में आजादी का अमृत काल है, देश में आजादी का अमृत काल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर अरुण जी, बहुत सुंदर आपने बहुत अच्छे इस कविता के माध्यम से एक प्रेरणा भरी बातें हमारे देशवासियों के लिए एक संदेश के रूप में अपनी बात रखी है, बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में एसएस जेपी जेपी डायरे साहब हैं, उनसे भी पूछे। जी जी, हम एक राजी स्वागत है। ये जितने भी हमारे साहित्यकार हैं, लेखक हैं, चिंतक हैं और उभरते हुए लोग हैं, वो इनको हमने आमंत्रित किया है और इसके एक एपिसोड हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका हमारा ये दूसरा या तीसरा एपिसोड है। देखो, मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो जो ये नौकरी, सरकारी नौकरी में बैठकर भी इतने हिम्मत करे लिखने की, ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब एक तो नौकरी बुझानी होती है, एक ज्ञान की जो बात होती है, वो ज्ञान में सच बोलना, एक लिखना, आम लिखने तो अलग चीज होती है, एक होता सच लिखना, तो सच लिखना वाला बहुत कम लोग होते हैं, तो हम उनको सच लिखने वाले को कहते हैं जिंदा इंसान। नहीं तो ये जो जो दूसरे लिखता है वो तो मरे हुए इंसान होता है, जिंदा जिंदा कहाँ से, जिंदा इंसान कभी झूठ नहीं लिख सकता और जिंदा इंसान कभी चुप नहीं रह सकता। तो ये जो बैठे हैं, ये कलम से जो है ना, जैसे पानी से दिमाग का विकास होता है और भोजन से होता है, जब कलम से होता है दिमाग का विकास, दिमाग जब कलम से आदमी चलाता है, इंसान चलाता है, तो अनुभव का ज्ञान निकलता है इंसान के अंदर से। तो कलम जितनी ज्यादा चला सकते हैं उतनी चलाएं, और जब जितना लिखते चले जाएंगे, लिखते चले जाएंगे, तो ज्ञान का भंडार मिलेगा, जिसके कहते हैं कि अनुभवी ज्ञान का भंडार। जैसे तीन प्रकार के ज्ञान होता है वर्ल्ड के अंदर, जैसे कि किताबों का ज्ञान हो गया, एक धर्म ग्रंथों का ज्ञान हो, एक होता है अनुभवी ज्ञान। धर्म ग्रंथों का जो ज्ञान है वो एक सिर्फ कुएं के जैसा होता है, और जो किताबों का ज्ञान होता है वो सिर्फ एक घड़े के पानी के जैसा होता है, लेकिन अनुभवी ज्ञान जो होता है वो समुद्र के जैसा होता है, तो कभी खत्म नहीं होगा। तो अनुभवी ज्ञान तक पहुंचने के लिए कलम बहुत जरूरत है। तो मैं आप सभी को बधाई भी देना चाहता हूं कि आप कलम के धनी बनकर रहेंगे, लेकिन कलम के साथ साथ अगर सच्चाई भी साथ जोड़ देंगे साथ में, तो आप महाधनी हो जाएंगे। और जो लोग सच्चाई लिखते हैं, ईमानदारी से लिखते हैं, तो मैं उनको हम सर्टिफिकेट भी देते हैं वायु मानव की तरफ से, हम सभी को सर्टिफिकेट देंगे और जिंदे होने का खिताब भी देंगे, क्योंकि जिंदे हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं। थैंक यू, शुक्रिया जी। ये थे हमारे चैनल के मेघरा जी, सीईओ हैं, जो पंजाब राज्य से हैं और अभी अमेरिका में हैं, और वो अपनी मेहनत से इस चैनल को एडाप्ट किया है, और उनका नाम भी उन्हीं का देन है, जिनकी कोई आवाज़ नहीं होता उनकी आवाज़ वो हमारे लोगों के लिए बने हुए हैं, और हम सब लोगों को, हमारे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए काफ़ी उनका प्रेम है।
तो बहुत बहुत शुक्रिया मेघराज सिंह साहब। तो बहरहाल आज की इस परिचर्चा को समाप्त करने से पहले मैं, क्योंकि हमारे और भी वक्ता इसमें लास्ट कमेंट के रूप में उनको आमंत्रित करना था, तो मैं डिजेंद्र कुरे साहब से फिर से चाहूंगा कि आज की जो हमारी जो सोच है नए उभरते हुए रचनाकारों को लेकर इस मंच के माध्यम से, तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों का इस एपिसोड के संदर्भ में क्या विचार है, और हमारी ये जो एपिसोड के रूप में हम छत्तीसगढ़ के उभरते हुए, या तो अभी अभी तो छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के कलमकारों को, साहित्यकारों को हम एक मंच के रूप में, क्योंकि हमारे चैनल इंटरनेशनल है, सिर्फ छत्तीसगढ़ वासियों के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है, तो इसमें हम सभी राज्यों से भी हम आमंत्रित कर सकते हैं, तो इस पर आप दोनों से हम राय चाहेंगे संक्षिप्त में। बहुत 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 आभार भैया। आपने, मैं शुरू ही बोला था कि एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो परिचर्चा के लिए हम लोग को एक साहित्यकार को, नव कलमकार को, नवांकुर साहित्यकार को एक मंच मिल दिया है, उनके लिए बहुत बहुत आभार निश्चित ही। और आपका जो यह पहल जो है, अनुकरणीय पहल है, निश्चित हमारे हमारे समुदाय के जितने भी साहित्यकार हैं उनको प्रति सप्ताह आज के दिन में सबको आमंत्रित करेंगे, सभी को जी थोड़ा थोड़ा अवसर मिले और अपनी साहित्य यात्रा हाँ को, वृत्तांत को अपना बता सकें। और जाते जाते दो पंक्ति कहना चाहूंगा कि जगत में द्वेष मत फैले, यही चिंतन जगाना है। जगत में द्वेष मत फैले, यही चिंतन जगाना है। सदा हो प्रेम हर मन में, स्वर्ग जग को बनाना है। अलौकिक अलौकिक ज्ञान के पथ में समर्पण त्याग हो मन में, चलो श्रृंगार लिखते हैं, भार प्रेमी लबहाना है। इसी भाव के साथ मैं अपने शब्द को, वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय सतनाम। जी, बहुत शुक्रिया, सतनाम, जोहार, और छत्तीसगढ़ महतारी की भी जय। और हमारे साथ में लास्ट कमेंट के रूप में चाहूंगा आनंद जी भी अपनी आज की इस परिचर्चा पर आप अपनी आशीर्वचन दे, कि ये एपिसोड जो हम शुरू करने जा रहे हैं इसके ऊपर पे अपनी राय दे। आदरणीय जगदीश कुर्रे सर, मैं कहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपको और मानवता चैनल को, और आज जुड़े जितने भी साहित्यकार साथी हैं उन सबको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो प्लेटफॉर्म है, जो वर्चुअल है, आज हम देखें तो बहुत सारी चीजें ऐसा है जो सोशल मीडिया के माध्यम से ही बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। और लोगों, तो अब तो जी लोग कहीं पे जाके कार्यक्रम नहीं सुनते हैं, लेकिन अगर हम ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा है, सोशल मीडिया एक ऐसा चीज है जिसको हम कहीं भी, चाहे हम ट्रेवल करते रहे हो या अपने बिस्तर पे हो या काम करते रहे, ऑफिस में भी अगर हमें 10 मिनट का टाइम मिलता है, हम मोबाइल देख लिए, कुछ अच्छे चीज देखना है, और जो अच्छे चीज देखने के आदि होते हैं वो ऐसे ऐसे चीजें सर्च करते रहते हैं जो ज्ञान की चीजें होती हैं, जी तो ये एक अच्छा माध्यम है जो एक बड़े स्तर पे है और अंतर्राष्ट्रीय चैनल है, तो बहुत ही ये अच्छा है। और मैं यही आशा उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में और भी हमारे ज्यादा कलमकार साथी जुड़ेंगे इस पे और अपने वक्तव्य जरूर रखेंगे, अपनी रचनाएं रखेंगे, देश के बारे में, हमारे देश की जनताओं के बारे में, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जो भी अलग अलग अपने जो भी विधाओं में है, जिन चीजों पे लिखा है वो जरूर रखेंगे। और जैसे कि अभी मेघराज सर ने एक चीज कही, वो बहुत बड़ी बात है कि आप जो है सच्चा लिखिए, कम लिखिए लेकिन सच्चा लिखिए, और अपने देश के प्रति जरूर आवाज आप बुलंद करिए। अगर गलत हो रहा है तो उस गलत के विषय में जरूर लिखिए आप, वो अपने कलम को उसी धारदार, कलम ही एक ऐसा चीज है जो लोगों को झुका सकता है, और ये वो ताकत है, तो इसीलिए ये लेख जो है हम बहुत सारे विधाओं पे लिखते हैं वो ठीक जी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देश की जो आर्थिक सामाजिक स्थिति है, जो अभी वर्तमान में जो देश की हालात है, हमें उन पे भी लिखना है। और ये चीजें हम नहीं करेंगे तो आने वाले जो हमारे पीढ़ियां हैं वो बहुत ही तकलीफ में होंगे, तो हम इन माध्यमों से सामने वाले को ये भी कह सकते हैं कि कलम के माध्यम से, कविता के माध्यम से भी हम अत्याचारों का विरोध कर सकते हैं। और बहुत अच्छी ये मैं कहूंगा सर, जो कार्य शुरू हुआ है ये, कि प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया वर्चुअल के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से जो ये कलमकारों
कभी लोगों का जो सम्मेलन हो रहा है, पाठ हो रहा है, तो ऐसे हमें भी अवसर मिल रहा है। तो ये बहुत बहुत मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा और इन्हीं धन्यवाद के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। और बड़ी ही गर्व की बात है कि हमें ऐसा अवसर मिला है और जरूर जब भी मौका ऐसा मिलेगा तो अपने बात जरूर रखेंगे। और यही आशा और उम्मीद के साथ आप सभी लोगों को पुष्प राजानंद की ओर से शादर जय सतनाम, जय छत्तीसगढ़ महतारी, जय भारत, जय सतनाम। डायरे जी, हमारे तक हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो लास्ट कमेंट के रूप में हमारे दर्शकों तक अपने विचार व्यक्त कर दे डायरे साहब। केपी डायरे साहब। जी जी सर, आप लोगों से मिलकर जुड़कर अच्छा लगा। और ऐसे तो मैं ग्रुप में देख पा रहा हूँ, ज्यादा लोग हैं नहीं इसमें, जितने भी नाम दिख रहे हैं, और मुझे लगता है कि अधिकांश लोगों को जानता हूँ, भाई पुष्पराज अनंत जी को, डिजेंद्र कुर्रे जी को, सर सर, और हाँ इन मेघराज जी का नाम सुना हूँ, मिला नहीं हूँ इनसे। हमारे साथी लोग इनका नाम का उल्लेख करते रहते हैं जी। और आपसे पहली बार मिल रहा हूँ और खुशी हुई कि आप मैन पार्ट के पास रहते हैं, वहां पर मेरे मित्र महोदय थे रवि कुर्रे जी। जी, जो एडिशनल कलेक्टर थे वो एसपी थे, वो हैं एसपी, एसपी एडिशनल जी जी, उनसे जी उनसे परिचय है मेरा। वो उनकी उनकी शादी अंबिकापुर से हुई है और फिलहाल अभी वो जी अभी किस जगह में है, मेरे ख्याल से पुलिस एसपी बन गए हैं शायद, मेरे ख्याल से वो जी जी एसपी बन गए हैं जी जी। तो उनसे तो हमारा परिचय है और जी, तो बहरहाल आज के इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करने से पहले मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि जो छत्तीसगढ़ के उभरते हुए साहित्यकारों की परिचर्चा आपको अगर पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत भी कराएं, ताकि हम समय समय पर छत्तीसगढ़ के जो साहित्यकार हैं, कवि हैं, उनको आमंत्रित करके इस मंच के माध्यम से उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में जुड़े डिजेंद्र कुर्रे साहब का, जेपी डायरे साहब का, पुष्पराज अनंत जी का और दयालु भारती जी जो हमारे साथ में जुड़कर अपने विचार शेयर नहीं कर पाए, और मेघराज सिंह साहब का जो इस कार्यक्रम के हमारे जो चैनल के संपादक है अमेरिका में रहते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे इस परिचर्चा में भाग लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सतनाम जोहार, थैंक यू आप सब लोगों का। सतनाम, थैंक यू सर, बहुत बहुत आभार भैया।